इस साल के मंथन महोत्सव में बड़ा मजा आएगा। टापू राजा जी, आपको हमें लाने के लिए खुद आने की जरूरत नहीं थी। अरे भीम, मंथन टापू का राजा हूँगा मैं दुनिया के लिए, तुम्हारे लिए तो मैं यार हूँ। ओए होए, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। राजा जी, इस समुद्री सफर से काफी भूख लग गई, हमारे लिए स्वादिष्ट पकवानों का इंतजाम कर दीजिए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। सब खजाना, लेकिन मेरे लिए मंथन टापू के स्पेशल केले छोड़ देना, मुझे बहुत पसंद है। हर बार की तरह ये जगह तो, वाह, ये जगह तो फलों की दुकान लग रही है। ओए फल फूल क्या, यहाँ दुनिया की हर चीज मिलती है, कृपा है जादुई तालाब और मंथन मोती की। ये उसी मंथन मोती की रोशनी है ना, जो हर साल महोत्सव के दिन बाहर आता है। हाँ, मंथन मोती हर साल टापू वासियों को नए नए अद्भुत तोहफे देता है। समोसा गर्म है, दोस्तों की दावत में कैसी शर्म है। ओए मंथन मोती चोरी हो गया, मंथन मोती चोरी हो गया। लेकिन मोती की रक्षा के लिए फौलादी फरिश्ते खड़े थे ना। फौलादी फरिश्ते भी गायब है। ये जहाज तो अनजाना लग रहा है। रुक जाओ घुसपैठियों, अब तुम हमारे बंदी हो। राजा जी, ये आपके टापू की अमानत। भीम, तुम्हारी शक्ति इतनी अद्भुत है, ये तुमने फिर से साबित कर दिया। कितना फटाफट काम कर रहे हो, तुम्हारी मदद से हम ये शादी के लड्डू सही समय पर मंडप पर भेज पाएंगे। मदद कैसी मौसी, हमें तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ माँ, भीम और राजू खाना और लड्डू दोनों खत्म करने में बड़ी मेहनत करते हैं। स्वागत के लिए क्यों तैयारी कर रहे हैं?
जल्दी जल्दी बारिश होगी। ऐसा मत बोल राजू, बिजली कड़केगी, बारिश बरसेगी, फिर माल पुआ मिलेगा। बारिश अब हो या ना हो, हमें सब तैयार रखना चाहिए। टुनटुन मौसी के साथ पहली बारिश के रिवाज के मालपुए बनाने की जिद हमारी ही थी। चलो गेहूँ पिसवाना शुरू कर दो। बोलो दम लगा के हईशा। दम लगा के हईशा। ये लो ढोलू, इतनी मेहनत कर रहे हो, थोड़े मजे करके करो। ये कोई सिद्धियों का काम नहीं, मैं फटाफट करके दिखाता हूँ। महाराज, आपने हमें याद किया? हाँ भीम, मैं तुम्हें हमारे मेहमान मोनमणि से मिलवाना चाहता था। मोनमणि एक वैज्ञानिक है जो पुरानी और जादुई चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं। नमस्ते बच्चों, तुम सब के बारे में मैंने बहुत सुना है। महाराज ने कहा था तुम सब मेरी मदद करोगे। कैसी मदद? ढोलकपुर के जंगल में एक गुफा पड़ती है, जलजाल गुफा। मुझे मेरी एक खोज से पता चला है कि उस गुफा में बंद है एक ऐसा हथियार जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। अगर यह हथियार बुरे हाथों में लग जाए तो महागड़बड़ हो जाएगी। आप चिंता ना करें महाराज, हम मोनमणि की मदद जरूर करेंगे। क्यों दोस्तों? अब हम इस खाई को पार करें तो करें कैसे? क्यों ना हम इस टूटे हुए पुल का इस्तेमाल करें? ये गोला हथियार जैसा बिल्कुल नहीं लगता। मोनमणि, गुफा में हमें ये गोला मिला, लेकिन ये खतरनाक हथियार कैसे हो सकता है? मोनमणि, ये क्या है? के लोगों को अकेला छोड़ दो। अब ये मेरा गांव है, मैं महाराज मोनमणि। सब देखकर मत करो।
तुम्हारी बेसुरी आवाज बंद करने आया हूँ। तुम बच्चे सिर्फ बहादुर ही नहीं, बहुत अक्लमंद भी हो। कोई तुम्हारे सामने टिक नहीं पाता। बहुत बढ़िया। ढोलकपुर के वासियों, मैं एक दिन के लिए भारत के सारे राजाओं से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन आपको अकेला छोड़कर नहीं। सोनी, सोनी, आप सबके गुणों को परखने के बाद एक दिन का राजा चुनेगी, उसे सुनहरा टिकट देकर। बनाया है, लेकिन मैं अपनी शानदार कलाकारी से सबको डरा दूंगा। मुझे भेड़िया और तीन शुकर की कहानी सुनने का बड़ा मन कर रहा है। क्यों दोस्तों, तुम भी सुनना चाहते हो ना? सुनना चाहते हैं। बात है ये बहुत पुरानी, एक घने जंगल में थी एक कुटिया पुरानी। रहा करते थे वहाँ तीन प्यारे शुकर, नाच गाना किया करते थे वो जमकर।
दिन नाच गाना करते वक्त पास की झाड़ियों में से आवाज आई कुर्राने की। निकला एक खूंखार भेड़िया, पंजे जिसके तलवार से पहने और आंखों में उसकी गुस्सा भरा। वाह पिताजी, ये तो एकदम असली भेड़िया लग रहा है। ये उस्ताद कर क्या रहे हैं? कालिया हमेशा की तरह गड़बड़ कर रहा है। अगर तुमने मुझे पकड़ लिया तो सारे लड्डू तुम्हारे। क्यों भीम, पकड़ लिया ना? अब लाओ लड्डू। वो तो मैं खा गया। अच्छा हुआ चुटकी चक्की और डोलू बोलू बाजार चले गए, वरना मुझे अपना हलवा उनके साथ बांटना पड़ता। अभी अभी तो तुमने 20 लड्डू ढूंढे हैं कालिया। पर ये भीम हलवा लेकर कब आएगा? अब भीम जरा उधर से गुलाब जल तो देना। जरूर अच्छी परी। ये लीजिए। हलवा तैयार। लो तुम थोड़ा सा टेस्ट करो, तब तक मैं तुम्हारे दोस्तों के लिए बांट देती हूँ। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। मैं चलता हूँ। दारी, अरे भूत लगी है। अरे राजू कालिया, मैं ही भी। कच्चे कच्चे बच्चे, इन महान साधु महाराज का अपमान कर रहे हो। महाराज
मदद भी करूंगी और आपके अपमान का बदला भी लूंगी। बस आज मेरा साथ दीजिए। तैयार हो जाओ बच्चे। कि मैं कोई साधु बाबा नहीं, भीम हूँ भीम। ये दाढ़ी बढ़ती रहेगी भीम। अब मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे इससे छुटकारा पाते हो। अच्छी परी। अच्छी परी, आप भी? जल्दी करो बच्चों, हमारे पास वक्त बहुत कम है। बाल बाल बचे। जल्दबाजी मत करो, धीमे से फेंको तो पत्थर सही से गिरेगा। भीम, मुझे तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा लकी पत्थर है। तीन खेल खेलेंगे। पहला लगोरी। अरे वाह, मिल गया जबरा पत्थर। बड़ों को जल्दी सारे पत्थर एक के ऊपर एक रखने हैं, उससे पहले बच्चे बॉल से खेल है खो खो। अभी मजा चखाता हूँ अभी को। मुझे नकली एनर्जी ड्रिंक पिलाई ना। आउट, आउट, आउट। तीसरा और आखिरी खेल, कुत्ता और उसकी हड्डी। तैयार? ये चाहिए, पकड़ो। बच्चों, हमारी जान बचाने के लिए, लेकिन इतना मजा तो मुझे सालों बाद आया है। लेकिन जीता कौन? जीता कौन? बड़े बच्चे भी।
छोटे बच्चे भी। बच्चों, इसका हलवा एकदम स्वादिष्ट बनेगा। ये तो कोई पुराना खेल लगता है। कहाँ मिला तुम्हें ये? गाजर के खेत में। ये खेल जमीन के नीचे गड़ा था। राजू ने खुदाई की तो उससे बाहर निकल आया। चलो अब इस मुसीबत को ठिकाने लगाते हैं।